मेरा नाम सीमा है, मेरे किचन में आपका स्वागत है। रसोई शॉप लाया है सॉफ्टेल लिटिल प्रिंस एक लीटर कुकर। चलिए देखते हैं आज इस कुकर में मैं क्या बना रही हूँ। कुकर में एक चम्मच तेल डालकर गरम कर लेंगे। लहसुन की कलियों को इस तरह से चॉप्ड करके या फिर कट करके डाल देंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। एक छोटा प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 40 से 50 सेकंड तक भून लेना है, उसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। अगर तीखा खाना पसंद करते हैं एक से दो हरी मिर्च डाल सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का चॉप टमाटर। टमाटर जल्दी से कुक हो जाए इसके लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। कलर अच्छा है इसके लिए डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इसे अवॉइड भी किया जा सकता है। बिना ढक्कन लगाए इसे ऐसे ही रख देंगे, जल्दी से कुक हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको इसके कुछ खास फीचर्स। इसका सैंडविच बॉटम बहुत हैवी है, इंडक्शन और गैस दोनों पर कुकिंग कर सकते हैं। डबल सेफ्टी वॉल के साथ आता है और इसका जो गैस्केट है सिलिकॉन का बना हुआ है। ISI मार्क है, इसका मतलब कई टेस्टिंग से गुजर कर आया है। इस एक लीटर कुकर को छोटे परिवार और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें अपने पसंद की वेजीज डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक छोटा सा गाजर, एक छोटा सा कैप्सिकम, दोनों को भी चॉप्ड कर लिया है। और मेरे पास थोड़े से स्वीट कॉर्न रखे हुए थे, ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, ये भी डाल दिया है। बड़ा कुकर संभालना छोटे परिवार और हॉस्टल के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए ये कुकर एकदम परफेक्ट है। अब इसमें अपने पसंद का कोई भी पास्ता मसाला डाल सकते हैं। इसमें नमक है या नहीं पहले टेस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम कुकर में पास्ता बना रहे हैं, इसे अलग से उबाला नहीं है, इस तरह से रनिंग वाटर में धो लीजिए। धोया हुआ पास्ता डालेंगे। जिस कप से पास्ता लिया था उसी कप से 3/4 कप पानी डालना है। एकदम थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। कुकर का ढक्कन लगाकर एक सीटी आने देंगे। इतनी जल्दी? एक सीटी हो गई है, पास्ता कुक हो चुका होगा। फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरेगेनो डाल देंगे। एकदम परफेक्ट कुक हुआ है और टेस्टी बना है। अब ये कुकर मेरा फेवरेट हो गया है, मैं इसे डेली यूज करने वाली हूँ। कैसा लगा आपको ये सॉफ्टेल लिटिल प्रिंस कुकर? अगर आपका परिवार भी छोटा है ये कुकर आपको जरूर लेना चाहिए। इसे परचेस करने की लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। इस जादुई कुकर को लेने के बाद आपका भी ये फेवरेट हो जाएगा।